एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, ये मम्मी की एल्बम है जीजू का, कुआ पूजन किया मैं। तो इसमें कुछ फोटोज है। ये कौन है? मैं पापा। ये बड़े पापा है और छोटे पापा मेरे पापा है। तो गाइज, ये वाली एल्बम हम आपके साथ शाम को शेयर करेंगे। दिखाते हैं मम्मी की फोटोज, कुछ पुरानी। मम्मी कैसी दिखती थी पहले? मम्मी बहुत जल्दी दिखाई है, ऐसे दिखाई। मम्मी देखे गुल्लू है। आप पहचानो ये कौन हो सकता है? कुछ लोग तो जानते होंगे। आगे भी पिज़्ज़ा। अरे रुक जा यार भाई, मैं ही खोलूंगी। मेरी वजह से आए, मेरे को हक है बस इन्हें खोलने का आज। एक तो मेरा है पूरा, एक इन्हें सुबह तक रखो बच्चों का भी। ये कार्ड में केक है लो, कॉफी 50 वाली दीदी जा रही हूँ। ठीक, होगा तेरा काम किचन का? अभी नहीं हुआ, दूर रखा भी बनने के लिए। हीटर तेज चल रहा सो, हीटर लाल चल रहा बिल्कुल। तो गाइस, पार्टी करने के पूरा हो गया, लाना तैयार है। क्या करना है? पहले इनको घूमने को बढ़ा दो। क्या चाहिए आपको? क्या गिलास चाहिए आपको? मैं ये लो। चलो चलो जल्दी से, दोनों भैया ले लो। चीकू लवी भैया दोनों ले लो। नहीं ले रहे? ये लो, ये। तो गाइस, हमने मंगाए दो पिज्जा, अचारी पिज्जा और डेलीशियस पिज्जा। ये चीकू दीदी, कैसा लग रहा है पिज्जा? यम्मी। चीकू की आंख चमक रही है इसमें लाइट में। थोड़ी सी आप पी लो, थोड़ी सी आप पी लो, फिर गिलास मुझे दे दो। पिंकू इधर देखना, मैं इतना पिंकू की नहीं चमक। लवी अपने आईज दिखाओ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? देखो सही लवी है। मैं ना अगले महीने फिर मंगाऊंगी छोटू भाई साथ। मैंने इसलिए ना पहले ही खा लिया, जहाँ पे मैं आने से पहले ही खा लिया। मैंने छोटू भाई साहब से कह दी मन की फिर मैं जापे में चली जाऊंगी, मेरी पार्टी पहले कर दो। अच्छा लग रहा था आपको? मजा आ रहा पूरा? बेहतरीन चीज बस चीज बस झुमका कुंडल तेरे लागे हुए के। कुछ भी कहते हुए कह रही चीख बस था। का फिर मिर्च तो खवाया पिज्जा, तेरे बहुत पिज्जा लगवाया जी। वो सॉस के पाउच भी डाल देना, एक दो धुआं निकल लगे तेरे कौन में कर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ पिंकू? तेरे का डाल का फल फल के खा रही है? नो दीदी, नो नो तुम मैं कल करने तैयार हूँ। मरा पूरा खाऊंगी,
एक पूरा खाऊंगी। तो गाइस ये हो गई हमारी पिज्जा पार्टी। अभी दीदी चार रोटी और खाएंगे अपनी। या कि काय दिन से फरमाइश हो रही, हम सो अरबे लड़े आप पीछे पीछे तो खाओ दावत और मेरे टाइम पे तुम्हारे हो जाओ सब चीज बंद, बर्गर की दुकान, पिज्जा की दुकान। आते क्या क्या हलक में कुना चल रही देख अपना सतक रिया है का मतलब और मम्मी कर रही है इधर सूट की कटिंग, जो ये वो वाला सूट है जो घर से आया था, और ये इसका सलवार है, और ये कपड़े भी प्रेस होने के लिए रखे। दीदी के सूट सिल चुके हैं, मम्मी ने बाहर लगवाई थी मशीन इसलिए क्योंकि अंदर थोड़ी दिक्कत हो रही थी सिलने में, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दीदी के सारे सूट सिल चुके हैं। मम्मी ये वाला सूट सिलने वाली है अपना वाइट सलवार के लिए, और इधर ये इसकी कटिंग चल रही है आज, कल कल में ये सब फाइनल हो जाएंगे। और मैं बना रही हूँ दाल, आटा मैंने लगा के रख दिया है, थोड़े से बर्तन वगैरह हैं बस, क्योंकि खाने में और कोई नहीं खाने वाला, बस पापा सीमा दीदी बच्चे हैं और घर पे ये नहीं आ दी तो मैं उनके लिए नया दी मिल रही है जच्चा से अभी। कैसी है दी? मैं ठीक हूँ। अलीज में ना एक भी बाइट ना होने छोड़नी आप, आज भी मोटा हो जाना आपको, ठीक है? नेहा दी का रिकॉर्ड है जितनी बार आई है अब तक हमारे घर पे, हर बार हाँ उल्टा 2 किलो वेट कम करके लाती है दी। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना। चीकू देखो अपना फेस दिख रहा है। मम्मी आ गई थी। मम्मी आने वाला हूँ आज, चल दिया कम भूले कर। कौन भैंस आ रही है? भैंस आ रही है, पापा आ रहे हैं पीछे पीछे ही, और इसे टैंक पे उतरवा देना, यूँ कह रहे पापा। सुन यार तू कर या लवी करेगी आपका सिल्वर को, लवी ले जाओ, लवी के हाथ में ले लो गाड़ी। तो गाइस हमारे यहाँ आ गई है एक नई भैंस, जो हमारी भैंस नहीं दे रही थी दूध। अरे बाबा जा रहे हैं भैंस को उतरवाने, अब बच्चे हो रहे हैं एक्साइटेड। पिंगू क्या होगा बच्चा? पूरा स्ट्रगल हो रहा है भैंस को उतारने में। मैंने दाल भी छौंक दी है और इधर बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि पापा जी आ चुके हैं तो भैंस आ गई है नहीं, तो इसलिए उन सब के लिए जा रही है चाय। गाइस जो सबसे पहले दूध यूज किया जाता है तो पहले देवताओं के लिए निकालते हैं, तो मम्मी पहले देवताओं पे चढ़ाने के लिए गई है, फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय। तो गाइस पिंकू दूध नहीं पी रहा है तो मम्मी उसे डरा रही है। कैसे आती है मम्मी माता रानी? तो गाइस ये है मेरे ससुर पापा जी, हीरो अपने जमाने के, ये चश्मे लग रहे पापा के, इन पतले चश्मे ये है पीला राशन कार्ड, किस किस का ये है? जीजू के कुआ पूजन की एल्बम, तो ये फोटोज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो दिखाते कौन कौन है, दी बताएंगी, मुझे तो पता नहीं वैसे कौन कौन है क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ सबको। मम्मी जब मैं पैदा नहीं हुई नहीं, मम्मी आप लोगों ने बुला ली थी, ये माँ सुनहरो पापा की दादी, और मंजू हुआ है क्या? जूम कर जूम जूम कर जूम हंस रही है वो, वो आज भी ऐसी है जैसे ही अभी क्यों ने नौच रही आगे उड़ने में, सफेद में ये हाँ दोपहर जा गए। मम्मी यहाँ पे भी ओनली में उड़ नाच रही है, उड़ ओनली में ऐसे क्या कर रही है? अच्छा जी
एल्बम तो साथ होती है तुम्हारी। और गाइस ये है मम्मी, ये दादी, ये दादी है ताई, ये ताई जी है, प्रेम ताई जी, ये बुआ पापा की रामबती बुआ, देख रहे होगे लोग, ये रामबती बुआ है, मेरे पे तो नहीं पहचान तू, बिना अब तो देखे जब पता है बुआ की अलग भैया बहुत पतली है, हाँ अब मोटी हो गई है, पुरानी फोटो देखो ना बस है ना, ये है छोटू, इधर छोटू है दादी, ये है गुल्लू, ये बड़ी मम्मी है, ये बड़ी मम्मी है, और ये बच्चा कौन है, रंजू, रंजू है, रंजू दी है, उल्टे सीधे फोटो लगा रखे हैं। तो गाइस ये मम्मी जी है, ये बड़ी मम्मी है, और ये मंचू बुआ है, पहले को बाबू जन ऐसे हो गए इतना घूंघट करके, ये देखो छोटू द हीरो, इनसे तो आप मिलते ही रहते हो आजकल, ये प्यारी लड़की कौन है येलो टॉप में, अंजलि दी, ये रंजू दी है, और ये संजु दी है, अरे मम्मी, आई मम्मी अब मोटी हो चुकी है बस मोटी द मम्मी, अरे ये जीजू है मम्मी की गोदी में, मम्मी ने नए डिजाइन का सूट पहना कहा आपने, इस बार देखो पैंट पहना की मम्मी ने, सलवार तो चल रहे सलवार दी, मम्मी ने वॉच भी तो पहन रखी थी, कहाँ पहन रखी, बड़ी ने तो यू पहन रखी यार, छोटी ने यू पहन रखी, और हमें देने का कोई डर वरना बस कह दे दिलवाऊंगी है, ये जीजू का बचपन का फोटो है, लवी 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 ये पापा की शादी का, ये रे पापा, ये पापा जी, और ये मम्मी, ये मम्मी रो रही है, अरे रोने का नहीं हाल ये, जब के ये गिरा पे वेस का है, मम्मी कितनी कितनी उम्र की होगी थी आपकी शादी, कितनी उम्र की थी, 9 साल की, मम्मी की 9 साल की शादी हो गई थी, बाल विवाह हुआ था, मम्मी इसके बहुत खिलाफ है, मम्मी बहुत लड़ती है, अब भी हमसे कहती रहती है जो, और ये कौन है दी, ये मौसी है, नीलम मौसी, और ये कौन लड़की, ये दोनों जवानी, ये रे दादी जवानी करा, जब तुम तीन हो लिए बस पीछे ऑपरेशन करा, जब कोई को सर्दियों का फोटो है ये वाला, मम्मी इसमें मिक्स फोटो है ना, ये देख, ये मम्मी के बचपन की फोटो, अरे ये विजय मामा है ना, हाँ ये विजय मामा है, ये मम्मी है, कर मम्मी पे ज्यादा जूम मत कर, ये नाना नानी, ओ मम्मी क्या देगी, ये संजय मामा है, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी देख, संजय दीदी लग रही है बिल्कुल, इधर मम्मी है, ये मामी है, ये बेंगलोर का फोटो है हमारा, ये वाला, हां पापा फौज भी पोस्ट है सब, अच्छा बेंगलोर में, और गाइस ये है नानी जी, और ये मामा है, नानी इतनी कम उम्र में सलवार क्यों पहने के लिए, पापा से बात, हां उसके बाद से पहले समझाता हूं, ये मम्मी है, ये मम्मी है, ये मेरी सहेली ममता देखी, जिनके मैंने नंबर लिए, मम्मी ये तो से एक जैसे शक्ल की है, ये दोनों बहन है, अच्छा से बिल्कुल कॉपी लग रही है ना, देखो ममता दी, कब की, कब का फोटो है ना वाला, शादी के बाद का ही, मतलब वादे तो 10 साल की होगी, छोटू के बाद शादी है, छोटू ये छोटू प्रधान जी है, मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है ये, अच्छा इसे ढूंढते ढूंढते मम्मी क्या ही, मुझे लेके चली गई दादरी में, है ये दादरी में रह रहे, दादरी में रह रहे, इस वजह हमें मिला नहीं थे, एक बार मिला फिर उसके बाद पता नहीं है कहाँ चली गई, अब मिली नहीं है फिर से, इसके बाद से मिलने की मेरी कोशिश ना करें, इनके कैसे पर खच्चे उठ गए, ये जीजू थोड़े बड़े हो गए थे जब का फोटो है, गाइस देख रहे मम्मी ने यहाँ अभी वॉच पहन रखी है, और हम तीनों पे नहीं है, लड़म भाव जिन को इन्होंने घड़ी नहीं दिलाई, ये कौन है ये वाला, ये राहुल है, ये यहाँ देख मम्मी कितनी पतली है, हाँ। ये सुरेश मामा दिल्ली पुलिस, तो गाइस जिस रास्ते से कुआं पूजन के लिए जा रहे ना, इस रास्ते से हम भी गए थे, मेरा कुआं पूजन भी इसी रास्ते से हुआ था, जब चीकू अब 1 साल का हो गया था, हाँ जब तक हमने व्लॉग स्टार्ट नहीं किए थे, ये हमारे इकलौते चाचू हैं, वहाँ पे जो बालाजी का मंदिर बन रहा ना,
शीशे वाला हाँ, वहाँ पे ही तस्वीर हमको चढ़ाई जब कभी पहले तो यू तस्वीर अब आ गई जहाँ हवन कुंड बन रहा भी तस्वीर तो अब तो बन रहा पहले पेड़ पेड़ छोटे बाबन चढ़ाई ढकी याद है तुझे कुआ ये कुआ तू और मोनिका बैठे हाँ जी जैसे तू और मोनिका बैठे आज बैठे सेम सेम ऐसी पूजा यहाँ पे दादी बैठी थी और दादी ऐसी बैठी थी मेरे उसमें भी और इधर मोनिका दी बैठी थी मैं बड़ी मम्मी की जगह क्या साल बाद 24 साल बाद ये देखो रेल की पटरी के पास का फोटो है कैसे शौक से खिंचवा रहे सब यहाँ पे ओ मैं आ रही हूँ बड़ी मोल है मेरे पास जूता तो है कि मेरे शर्ट के बटन दिखाई हो आगे बटन सारे फाड़ दिए रियल ये सही है दी सारा सारे बटन दी आप इसलिए गुस्सा हो रही हो बिल्कुल पिंकू लग रहा है यहाँ पे गाल से ये रंजो खड़ी ये कौन रो रहा है मम्मी पर ये वो विक्रम देखो दीदी आप कोई पकड़ रहे बाबा कह रहे क्यों रो रही है मेरी ज्यादा प्यार कर रहे हैं मम्मी जूता तो देखो बाबा ने यहाँ पे भी कैद ली रखा दीदी को ये रंजू दी है ये रंजू है ये मैं हूँ ये बुआ का अच्छा ये हम चलते हैं बाबा आज भी ऐसे ही सबको गोदी में ले लेते हैं इधर से आ जाओ जल्दी से और ये हमारे पहले घर का नक्शा है यहाँ से नहीं जा रही कुआं पूजन के लिए निकले हैं लिया बड़ी मम्मी ने स्टाइल वाली साड़ी बांध रखी है बड़ी मम्मी ने आई हो और ये प्रेम राखी की मम्मी अच्छा बड़ी मम्मी ने भी तो पिंक सी पहन रखी थी येलो पहन रखी बड़ी ये यहाँ पे भी मैं जो ये फोटो अनिल प्रेग्नेंसी तो नधर सके ना साथ थे साथ हमारे नधर ओके आगे समझ में जैसे मोनिका दी की बार को मैंने किया था सब कुछ ये संजू दी है बिल्कुल यहाँ पे वो नहीं लग रही है जिया जब वो छोटी थी ऐसे बोल रही थी ये बच्ची है ये अंजलि दी है ये आप क्यों रो रही हो मेरी अरे कौन है ये कौन है ये मम्मी की मामा की लड़की है मम्मी सभी कैप्चर कर रखे हैं इस एल्बम में पहला फोटो से ले रहे हैं ये आप तो फोन में रख के कर ये देखिए वाले बाबा देखिए वाले के साथ अब वैसी रखवा दी ना मॉडर्न जमाना हो गया सब ऐसे कपड़े पहने के रही मेरी परदादी सेम ये भी परदादी हमारी अच्छा और ये भी दोनों बहन पैसे रख दी बड़ी मम्मी आपके ऊपर ये छोटी का ग्रेट ये पिंकू देखने दो ये मम्मी ने फिर नया डिजाइन का सूट पहना खाया ये फिर अकवाड़ा सिला सिला ये भी सिला सिला लिया मैंने ये देखो पोज मार रही है उम्मती बुआ ये रही उम्मती बुआ पीछे नहीं आ रही है ये संजू है उसे ही संजू दी है पहला आया ये अच्छा ये सोनल मामी का फोटो आया था रिश्ते के लिए यहाँ पे मम्मी ने पास कर दिया था इसको फिर किसका गुआ पूजन हुआ यहाँ पे इनका है ना और ये भी नानी है देख नानी है ये कौन है बच्चा मम्मी संजू अच्छा मम्मी ने चश्मे लगा रखे हैं अरे मम्मी और मम्मी आप नाच रही हो गए यहाँ यहाँ दादू तक बाहर हो रहा बजा बजा यहाँ आके मम्मी थोड़ी मोटी होने लगी थी है ना मम्मी अरे ये कौन है यू जो फोटो है कौन सा वाला मम्मी मैंने उसमें ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे 15 अगस्त पे अब मम्मी 100 रुपए में फोटो है मेरे ड्रामे का फोटो ये चिकू के पापा ये जीजू है चिकू के पापा देख लो कैसा मुंह बना रखा चिकू के पापा ने पापा चीज है सही में बस हो गई तो गाइस हमारी एल्बम हो गई कंप्लीट अरे रुक जा अभी कहां कंप्लीट ये पापा जी का फ्रेंड सर्कल है पूरा बड़े पापा जी कहां इनमें ये बड़े पापा जी इधर पतले देख ले ये किसका बच्चा है ये रंजू है रंजू दिया जगह रो रही है तो कार्यक्रम भाई अब
मिलते हैं, व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और अपनी एल्बम सबमिट लेते हैं जो आपको अभी दिखाई है और मिलते हैं फिर आपसे एक और नई व्लॉग के साथ। थैंक यू।